हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट। आखिर क्या है यह रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने जो यह रिलीज किया है, इस रिपोर्ट में क्या क्या आखिर मेंशन किया गया है, इन तमाम बातों पर हम इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। दैट द रिपोर्ट इज कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है, दिस कमोडिटी आउटलुक वुड डार्केन इफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स। बात किया जा रहा है कि जो वेस्ट एशिया में जो अभी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, उस सिचुएशंस का, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस का मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, कमोडिटी प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, वह क्या डिसरप्शन पैदा कर सकता है, इन तमाम चीजों को इस रिपोर्ट में, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने डिस्कशन किया है। लेकिन सबसे पहले बात अब यह जानना जरूरी है कि इस कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट प्रोवाइड्स मार्केट एनालिसिस फॉर मेजर कमोडिटीज ग्रुप्स लाइक एनर्जी, मेटल्स, एग्रीकल्चर, प्रीसियस मेटल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली क्या है कि कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जो है, वह जो एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ जो कमोडिटी है, उसका एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता है कि उसके प्राइसेस में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कितना डिमांड बढ़ रहा है, कितना प्राइसेस उसके एस्केलेट्स हो रहे हैं। जैसे कि एनर्जी सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, ऑयल की बात कर लेते हैं, मेटल्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लेते हैं। द रिपोर्ट फॉरकास्ट फॉर एवरी 46 की कमोडिटीज की, ओवरऑल अगर हम इस बात करें कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट में, तो 46 कमोडिटीज हैं जिसका यह एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिसमें जो मेजर सेगमेंट हैं आपके वो है एनर्जी, मेटल्स, एग्रीकल्चर, प्रीसियस मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल्स। इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन अप्रैल एंड अक्टूबर एवरी ईयर। और अभी जो यह रिपोर्ट आया है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यह इसका अक्टूबर का एडिशन है। यह हर साल दो एडिशन आता है, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में। तो यह जो रिपोर्ट है, यह इसका अक्टूबर का एडिशन है जिसे पब्लिश किया गया है। और इसमें बताया गया है कि अगर वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, यूं ही यह इंक्रीज होते रहा, तो कमोडिटी मार्केट में काफी ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिल सकते हैं। की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, अब ओवरऑल हम बात करते हैं इस रिपोर्ट का। तो ओवरऑल जो यह आउटलुक रिपोर्ट क्या कहता है, एज पर द रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमी इज इन अ मच बेटर पोजिशन देन इट वॉज इन द 1970s। कि सबसे पहले इस अभी जो स्टेटस है ग्लोबल इकोनॉमी का, उसको हम अगर कंपेयर करते हैं आज से लगभग वे बैक 50 ईयर्स बैक में 1970s के, उसमें अगर दोनों को कंपेरिजन में काफी बेटर पोजिशन में है। इवन जबकि वेस्ट एशिया जोन में कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, लाइक रशिया और यूक्रेन की हम बात कर ले, उसके बावजूद भी अभी भी जो पोजीशन है ग्लोबल इकोनॉमी का 1970s के कंपेयर में, वो काफी ज्यादा स्टेबल है टू कोप विथ मेजर ऑयल प्राइस शॉक। कि अगर ऑयल प्राइस शॉक भी होता है ड्यू टू डिसरप्शन इन वेस्ट एशिया, स्टिल इतने लोग कंट्रीज इतने स्टेबल हैं कि यह उस टाइम का पोजीशन से काफी बेटर पोजीशन में बने हुए हैं। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं ग्लोबल लेवल पे, अब उनका अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व्स है। तो अगर थोड़े समय के लिए कह सकते हैं कि एक लिटिल टाइम फ्रेम के लिए, बेसिकली अगर इसमें कोई डिसरप्शन भी आता है, ऑयल मार्केट में कोई डिसरप्शन भी आता है, तो बहुत ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा। हाउएवर एन एस्केलेशन ऑफ द लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया विच कम्स ऑन टॉप ऑफ डिसरप्शन कॉज्ड बाय रशिया यूक्रेन वॉर कुड पुट ग्लोबल कमोडिटी मार्केट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन अभी जो सिचुएशन अगर हम बात कर रहे हैं, यह और अधिक अगर डार्केन हुआ या और अधिक वर्स्ट फेज में चला गया, तो कमोडिटी प्राइसेस पे असर डेफिनेटली पड़ेगा। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल नियर टर्म इंप्लीकेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ वेस्ट एशिया। कि जो इसका नियर टर्म में, मतलब बहुत ही इमीडिएटली कह सकते हैं, कमोडिटी प्राइसेस पे इस डिसरप्शन का, जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, उस पे पड़ेगा। और काफी ज्यादा यह डार्केन फेज से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से गुजरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कमोडिटी प्राइसेस लाइकली टू फॉल। ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस आर प्रोजेक्टेड टू फॉल 4.1% नेक्स्ट ईयर। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन नेक्स्ट ईयर एज सप्लाईज राइज। जैसे जैसे सप्लाई राइज होगा, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो प्राइस है वो डाउन होगा।
prices of base metals are also projected to drop 5% in 2024 and commodity prices are expected to stabilize in 2025. जो कमोडिटी प्राइस है वह कह सकते हैं कि जो 2025 तक जो डाटा कहता है, वेरियस डाटा, ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं बहुत सारे अदर जो इंस्टीट्यूशन है उनके अकॉर्डिंग जो कमोडिटी प्राइसेस है वो 2025 तक स्टेबलाइज हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर यह जो वेस्ट एशियन जोन में जो कंफ्लिक्ट है अगर वर्स्ट और अधिक खराब कंडीशन में चला गया तो क्या असर पड़ेगा इस पे, द आउटलुक फॉर कमोडिटी प्राइस वुड डार्केन क्विकली इफ द कंफ्लिक्ट वेयर टू एस्केलेट, कि अगर यह कंफ्लिक्ट और अगर बढ़ गया तो जो कमोडिटी प्राइसेस है वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल पे वह और अधिक डिसरप्ट होगा, द इफेक्ट वुड डिपेंड द डिग्री ऑफ डिसरप्शन टू द वाइल सप्लाई इन अ स्मॉल डिसरप्शन सिनेरियो द ग्लोबल वाइल सप्लाई वुड रिड्यूस बाय 500,000 to 2 million per million barrel per day, roughly equivalent to the reduction seen during Libyan civil war 2011. और यह सेम सिचुएशन आते जा रहा है जो कि 2011 में जब लीबिया में सिविल वॉर हुआ था, एट दैट टाइम भी जो प्राइसेस थे ग्लोबल ऑयल के उसमें काफी ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिले थे। तो अगर अभी जो वेस्ट एशिया में कंडीशन है रशिया यूक्रेन को कंफ्लिक्ट को लेके अगर यह पर्टिकुलरली अगर एस्केलेट होते रहा तो फिर से वही सिचुएशन आ सकता है जो कि 2011 में आया था एट द टाइम ऑफ लिबियन सिविल वॉर। अंडर दिस सिनेरियो वाइल प्राइसेस वुड इनिशियली इंक्रीज बिटवीन 3% टू 13% रिलेटिव टू एवरेज फॉर द करेंट क्वार्टर टू अ रेंज ऑफ 93 to 102 a barrel। और इसी दौरान अब यह देखा जा सकता है कि जो एवरेज इंक्रीज है वाइल प्राइसेस में वह 3% से 13% जो रिलेटिव इंक्रीज है वो हो सकता है। इन मीडियम डिसरप्शन सिनेरियो अगर हम मीडियम टर्म की बात करें रफली इक्विवेलेंट टू इराक वार इन 2003, इराक वार आप सबको याद होगा 2003 में जो इराक का वार हुआ था, एट दैट टाइम द ग्लोबल ऑयल सप्लाई वुड कटेल्ड बाय 3 million to 5 million barrels पर डे, दैट वुड ड्राइव ऑयल प्राइसेस बाय 21% to 35% इनिशियली। कि आप देख सकते हैं कि हम नियर टर्म सिनारियों की बात कर रहे हैं तो जो लीबिया वार हुआ था 2011 में वैसे सिचुएशन पे जा सकता है, अगर मिड टर्म हम सिनारियों की बात करें तो जो मीडियम टर्म डिसरप्शन हो सकता है वो और अधिक कह सकते हैं वर्स्ट कंडीशन हो सकता है जैसा कि 2003 में हुआ था जब इराक वार हो रहा था, एट दैट टाइम जो ग्लोबल ऑयल था प्राइसेस आप देख सकते हैं 21% से डायरेक्ट 35% के में इनिशियली वह इंक्रीज कर गया था। इन ए लार्ज डिसरप्शन सिनारियो comparable to the Arab oil embargo in 1973, the global oil supply would shrink by 6 million to 8 million per barrel. और यह जो prices होगा वो 56% से 75% initially increase किया। अब अगर long term हम इस West Asian conflict का अगर असर देखेंगे तो यह same situation आते जा रहा है जो कि 1973 में अरब ऑयल एम्बार्गो के टाइम में जब डिसरप्शन हुआ था ग्लोबल सप्लाई पूरा डिसरप्ट हो गया था और ऑयल जो बेसिकली एनर्जी की हम बात करते हैं आप देख सकते हैं वो 6 मिलियन से 8 मिलियन बैरल पर डे हो गया था और जो एस्केलेशन हुआ था कह सकते हैं जो इंक्रीमेंट हुआ था इन्फ्लेशन जो हुआ था प्राइस में वह 56% से 75% हो गया था। तो जो यह आउटलुक रिपोर्ट कह रहा है कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग अगर यह जो और अधिक जो कंफ्लिक्ट है वह अगर और अधिक डार्केन हुआ वर्स्ट फेज में गया एस्केलेट हुआ तो यह ग्लोबल कमोडिटी जो है उसके प्राइसेस को काफी ज्यादा डिसरप्ट करेगा, स्पेशली जो वाइल प्राइसेस है उसमें काफी ज्यादा शॉकिंग प्राइसेस चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं हम, फूड सिक्योरिटी बेसिकली डिफाइंड एज ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशियंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड that meets their dietary needs and food preference for an active and healthy life. At the end of 2022, more than 700 million people, nearly a tenth of the global population, were undernourished. Yeh report mein kaha gaya hai, and an escalation of the latest conflict would intensify food insecurity not only within the region but also the across the world. Aur abhi ise conflict ke karan aapne dekha hoga कि जो बेसिकली क्या है जो वीट के एक्सपोर्ट को लेके चूंकि जो यूक्रेन और रशिया का लोकेशन है वो ब्लैक सी से और वो एक मेजर ट्रेड रूट है तो इस कन्फ्लिक्ट के कारण जो फूड इन्फ्लेशन है वो और अधिक वर्सन होगा और अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का जो कह सकते हैं जो लोग हैं वो उनकी संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन का।
कि अगर यह झारखंड हुआ तो क्या होगा, क्या सिचुएशन हो सकता है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट का। द फैक्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट हैज सो फार हैड ओनली मॉडेस्ट इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, कमोडिटी प्राइसेस मे रिफ्लेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव्ड एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑयल प्राइस शॉक्स। अब इस पूरे रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद यह पता चलता है कि जैसे जैसे टाइम बीता है जो कंट्रीज जो है अब ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की जो उनकी एबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इतने लंबे समय से यह वेस्ट एशिया में कंफ्लिक्ट चलते आ रहा है, फिर भी इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट अगर देखा जा रहा है एज कंपेयर टू द अर्लीस्ट शॉक्स, उसमें अभी यह एक मॉडेस्ट इंपैक्ट ही डाल पाया है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाया है। मतलब जो शॉक एब्जॉर्बिंग पावर है कंट्रीज का वो बढ़ गया है। सिंस द एनर्जी क्राइसिस ऑफ 1970 द रिपोर्ट से कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बोस्टर्ड देयर डिफेंस अगेंस्ट सच शॉक्स। और इसी बात 1970s के बाद से ही, खासकर जो अरब एम्बार्गो ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके बाद से सारे कंट्रीज अब ऑयल रिजर्व्स भी रखना स्टार्ट कर दिए थे। दे हैव रिड्यूस्ड देयर डिपेंडेंस ऑन ऑयल, द अमाउंट ऑफ ऑयल नीड टू जनरेट $1 ऑफ GDP हैज फॉलन बाय मोर देन हाफ सिंस 1970। और उसके बाद वो बहुत सारे एफर्ट से अपना जो डिपेंडेंस है ऑयल पे वो धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिए। दे हैव मोर डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ ऑयल एक्सपोर्टर्स एंड एक्सपेंडेड एनर्जी रिसोर्स इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और जो अगर कोई इंपोर्ट भी कर रहा है तो वो मल्टीपल इंपोर्टर्स रखे हुए हैं, दूसरा कह सकते हैं अल्टरनेटिव वे ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। इसलिए अगर ऑयल प्राइसेस में शॉक्स भी होता है तो वो उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वह बढ़ जाएगी। कंट्रीज सच एज इंडिया, यूएसए, चाइना हैव एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, कि ऐसा अगर कोई शॉक आता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके टू हैंडल द शॉक प्राइसेस। दिस इंप्रूवमेंट सजेस्ट दैट एन एस्केलेशन ऑफ द कंफ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया might have more moderate effect than would have been the case in the past. कि अगर यह escalation होता भी है तो इसका effect moderate होगा अगर हम comparison करेंगे जो earlier past में जो हमारे effects हुए थे global oil shock से। क्यों? क्योंकि कारण है कि अब countries के पास alternative source of energy है और absorbing shock जो होता था global oil में, जो disruption होता था उसके absorbing power countries का अब बढ़ गया है due to strategic reserves and alternative way of generation of energy. So, ये रिपोर्ट था वर्ल्ड बैंक का कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।